नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। शहर तो वैसे ये नवाबों का है लखनऊ, लेकिन लोकतंत्र का अभियान चल रहा है, लोकतंत्र के प्रति जागरूकता का अभियान चल रहा है। रविवार का दिन है, सुबह सुबह मतदाता संकल्प अभियान को लेकर यहाँ पर जो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया है लखनऊ की, उसके लोग लगे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी आपका स्वागत है प्रभा साक्षी पर, आपका शुभ नाम बताइए पहले। मैं जीपी सिंह। जी जीपी सिंह जी, ये क्या रविवार को सुबह सुबह लोग सोए रहते हैं, आप लोग अभियान चला रहे हैं लोकतंत्र के? ये कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया लखनऊ का जो शाखा है उसने भी एक संकल्प लिया कि इस बार मतदाताओं को थोड़ा जागरूक किया जाए। जी तो हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ लगे हुए हैं, जो सुबह टहलने लोग आते हैं। हाँ। उसमें काफ़ी यंगस्टर्स भी काफ़ी हैं। जी तो पर्पज़ ये था कि उनको मतदान के लिए जागरूक करना और 100% मतदान कराना, ये हम लोगों का एक टारगेट था। जी। जिसमें हम लोगों ने संकल्प के रूप में इसको रखा है, तो हम लोगों ने एक पूरा स्टेटमेंट बनाया है जिसको हम लोगों ने ओथ की तरीके से हम लोग उसको दिलाया। जी। और काफ़ी लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया। जी। और लखनऊ में जैसे अभी आप यहाँ पर कर रहे हैं लोहिया पार्क में, तो और भी अन्य जगह पर अभी अभियान चल रहा है? अभी और भी पार्क्स में जाएंगे, इवन स्कूल कॉलेजेस में भी प्लान हमारा है करने का। जी। और इस तरीके से इस बार टारगेट ये है कि लखनऊ काफ़ी पीछे रह रहा है परसेंटेज में जो मतदान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बार हम लोगों का टारगेट ये है कि कुछ 75% तो कम से कम पहुँचे। कम से कम पहुँचे। और 6 मई को मतदान होगा, अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से सवेरे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, लगता है आपको कि जो 75% का आप लोग संकल्प लेकर चल रहे हैं पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, अगर मन में ठान लिया है कि वोटिंग करनी है तो 100% वोटिंग होगी। जैसा हम जानते हैं कि लखनऊ और बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ के लोग आना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम छोटे शहरों को देखें तो देखिए वुमेन और सभी लगे हुए हैं वोटिंग करने के लिए, सुबह से लाइन में लग जाते हैं और शाम तक उनकी लाइन नहीं खत्म होती है। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो 47-48 इतना ही परसेंट वोटिंग हो पाता है। ऐसा क्यों है? इसी के लिए हम सब यहाँ पे एजुकेटेड हैं लेकिन घर से निकलना नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है थ्रू कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया कि वोट तो करना ही है, वोट करेंगे तभी हमारा जो है भविष्य अच्छा है, हमारा भारत का जो है विकास है। और जब आप लोगों को कहते हैं कि आप वोट करिए, तो क्या आपको नोटा के प्रति भी कुछ ऐसा रुझान देखने को मिल रहा है, खासतौर पे जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा चुनाव में काफ़ी उपयोग हुआ था इसका? नहीं, गोमती नगर में हम जिस एरिया में हैं वहाँ पर सुबह से हम 5:30 से यहाँ पर हैं, तो नोटा के बारे में क्योंकि हमने किसी से वोट कहाँ देना है इसके बारे में बात नहीं की, हमने कहा कि वोट मतदान करना ज़रूरी है। और जिस एरिया में हम हैं गोमती नगर, वो एफ्लुएंट एरिया है, वहाँ के लोग निकलना नहीं चाहते, लेकिन मॉर्निंग वॉक में जब आए हैं तब उनसे कहा है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें मतदान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कहा किसको देना है, तो हमने कहा कि ये आपकी इच्छा पर है किसको देना है, हमारा मकसद ये है कि आप वोट देने जाएं, ज़रूर जाएं, और चाहे कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि आप अपनी व्हीकल से जाएंगे, एसी व्हीकल से जाएंगे और वहाँ वोट देने का ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वापस आकर आप लोकतंत्र में आप योगदान दें। जी। और अभी यहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ जी बताइए। अब प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो न्यू इंडिया को देखते हुए वोट करने वाला, आपके मन में क्या है, क्या सोचकर वोट देने वाली हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फ़र्स्ट टाइम वोटिंग होगी और मैं ज़रूर अपने मैं मतलब बिना किसी की राय मांगे मैं अपना नेता अपनी सरकार खुद ही चुनना चाहूँगी, जो मेरे देश का विकास करे, जो मेरे देश के लिए कुछ करे और जो सिर्फ मतलब साफ सफाई ना मतलब देखे, बल्कि जो हमारे गरीब लोग भी हैं हमारे सोसाइटी में उनके डेवलपमेंट के लिए भी कुछ सोचे और जो जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है उनके लिए भी कुछ करे और घर बनाए और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। तो मैं यही चाहूँगी कि अच्छी सरकार आएगी तभी अच्छा भारत बन पाएगा। और एक चीज़ और देखने को मिलती है अमूमन कि हम लोग वोट डालने जाते नहीं, जैसा अभी समस्या बताई भी आप सभी ने, और लेकिन सरकार को कोई टांग खिंचाई करनी हो तो उसमें पीछे नहीं छूटते हैं। टांग खिंचाई तो कभी भी कोई भी किसी की भी कर सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम
हर बात को व्यक्त करने की आज़ादी है जी। तो खिंचाई तो देखिए कितनी खिंचाई हो रही है, चाहे वो बीजेपी की खिंचाई हो, चाहे वो किसी और पार्टी की हो, सबकी खिंचाई हो रही है जी। तो आज़ादी व्यक्त करने का, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी सभी को है सभी। तो हम उस पर ना जा करके हम केवल यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज को टारगेट कर रहे हैं जी। एंड वी आर टारगेटिंग ओनली द वोटिंग परसेंटेज कि हाउ टू इम्प्रूव द वोटिंग परसेंटेज थ्रू कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। अभी जब आप लोग जा रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, तो लोगों का जो रिएक्शन है वो कैसा आ रहा है, क्या लोग कह रहे हैं? लोगों का रिएक्शन जो है बहुत अच्छा आ रहा है, और जबकि लखनऊ ऐसा शहर है जहां पर परसेंटेज कम रहता है, अब हम लोगों ने ये सोचा है कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इन लोगों को जागरूक किया जाए और ये लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आ करके 6 तारीख को वोट दें। वोट कर जी, आप बताइए, आपको अगर हम थोड़ा सा ये आपका जो अभियान है इससे थोड़ा सा हट जाएं, तो लखनऊ में आपको जो उम्मीदवार हैं, स्थानीय सांसद वो भी हैं उम्मीदवार, इसके अलावा कुछ बाहर से भी प्रत्याशी आए हैं, तो एक प्रत्याशियों को लेकर आप लोगों की अपनी क्या राय है? मैं किसी पार्टी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, स्थानीय होना चाहिए, बाहरी भी व्यक्ति हो सकता है, इस बारे में कुछ बता पाइए। प्रत्याशियों, क्योंकि हम लोग जो है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया से हैं, तो हम केवल वोटिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं, प्रत्याशियों के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों से जो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक में आए हैं उनसे ये हम सभी को पर्चा बांट रहे हैं और उनको अनुरोध कर रहे हैं कि 6 तारीख को जो यहाँ मतदान होना है उसमें वो ज़रूर जाएँ, और इस बार जो है जो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहती थी, इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि जो है तभी जो है हम सही नेता या सही उम्मीदवार को चुन पाएंगे। वोटिंग के लिए एक जागरूकता अभियान भी चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सुबह सुबह लोग आ रखे हैं, लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग खासतौर पर शहरों पर ही ये सबसे बड़ा आरोप लगता है कि वो लोग निकलते नहीं है मतदान के लिए? वोट देना हमारा अधिकार है, वोट देना चाहिए, हमारे संवैधानिक व्यवस्था भी है, और बहुत अच्छा है आप लोगों का अभियान देख करके, तो हम लोग और जागरूक हो रहे हैं जी। इससे अच्छा भी लग रहा है, जो लोग थोड़ा सा आराम दे मतलब आराम से रहते हैं उनको वोट देना चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है जी। और उसका ये हमारा कर्तव्य भी है जी। और बहुत पुनीत कार्य है, इससे एक एक वोट से बहुत बड़ा काम होता है जी। और हमारे अच्छे लोग आते हैं तो वोट देना बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे ही चुनाव आयोग तारीख तय करता है, ये मतदान की तारीख है, तो राजनीतिक दल तो अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं, लोग अपना छुट्टी का प्लान बनाने में जुट जाते हैं जी। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक वोट न पड़ने से हमारे देश की तमाम संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाती है। अच्छे लोग लाने के लिए हम जितने जागरूक मतदाता हैं निश्चित रूप से हमको निकलना चाहिए और सब कुछ छोड़ के निकलना चाहिए, उसको एक ये मान चलना चाहिए कि हमारा पुनीत कार्य है और मेरा कर्तव्य है और देश के प्रति हमारा एक समर्पण भी है, बहुत आवश्यक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए। सभी सभी लोगों से मेरा अपील है, हम तो हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, ये CPN पार्टी कहते हैं जी, और हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं और निश्चित रूप से सबको वोट देना चाहिए। मेरे साथ इस अभियान से जुड़े कुछ युवा भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं? वैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके जो मन की आकांक्षाएं हैं, मन की बात है, वो भी जानना चाहता हूं कि नई सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या होंगी और आप क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? सर, हम तो बेसिकली अपनी डेवलपमेंट और यूथ एम्पावरमेंट को लिए ही वोट करने वाले हैं, ताकि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाए जी, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे हाथों में जी। आप बताइए, जो हमारी बेसिक नीड्स है कंट्री की वो फुलफिल हों और जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जो यूथ्स आ रहे हैं और यूथ एम्पावरमेंट हो जी, ये सब हम चाहेंगे अपनी नई सरकार से जो आए। सर, हम विकास चाहते हैं बेसिकली, कि जो भी सरकार हमें अच्छा विकास करके दे और इक्वालिटी लेके आए देश में, हम उसी को वोट करना चाहेंगे। और एक चीज़ और बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन है, अभी कैंपेन चल रहा है, आपको क्या सबसे बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा है जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए वोट करने के? सर, मेन तो एम्पावरमेंट यूथ का है और डेवलपमेंट ही मेन इसमें मुद्दे चल रहे हैं मेरे ख्याल से जी। और नेशनल सिक्योरिटी वगैरह भी है इस बार? हाँ सर, वो चल रही है, मतलब मेन है ही मेन, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल नेशन पहले आता है फिर हम लोग आते हैं जी, तो सिक्योरिटी ही मेन पर्पस होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर हम लोग इसका देखें मेन अपना अपना एरिया का, तो यूथ के लिए हम लोग का डेवलपमेंट ही मेन है अभी तो, क्योंकि हम लोग के लिए वो कुछ है नहीं ज़्यादा, जॉब अपॉर्चुनिटी हर साल कम हो रही हैं, तो वही मेन चीज़ होनी चाहिए। सर, और जो महंगाई हो रही है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको भी कंट्रोल में लाना है जी।
और एक चीज़ और कि जब आप चुनाव प्रचार देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो नेता है वो किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, भाषा की मर्यादा गिर जाती है, सबका एक होता है कि लक्ष्य की सीट निकालनी है, इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? सर मेनली मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखना चाहिए, धर्म की जाति ना करते हुए ये लोग डेवलपमेंट की जाति करें तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन आजकल हर पॉलिटिशियन अपनी धर्म की जाति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, तो सर वो सही नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। एम्पावरमेंट डेवलपमेंट की तो बात करें जी, मंदिर तो सर बनी रहे। जैसे बाहर कंट्रीज में क्या होता है, वो लोग एक दूसरे सिनेरियो पे उनका पूरा प्रोपोगेंडा चलता है, कैंपेनिंग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अलग सीन है कि हाँ अयोध्या में मंदिर कौन बनवाएगा उसको लोग वोट देते हैं, कौन मस्जिद बनवाएगा इसी पे लड़ाई चल रही है, लेकिन कोई ये नहीं बात करता है कौन स्कूल बनवाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार जो है हमारी जो है देश की सेना के लिए अच्छा करे हमें उसको वोट करना चाहिए, बेसिकली हमें ये नहीं देखा, बायस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि जो है क्या सरकार और कौन नेता, बट हमें ये देखना चाहिए कौन सेना के लिए अच्छा कर सकता है। एग्जैक्टली सर, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रिलीजन और कास्ट दोनों ही बहुत या रिलीजन कास्ट पॉलिटिक्स दोनों नहीं होनी चाहिए, बेसिक मोटिव ये होना चाहिए कि एम्पावरमेंट देखा जाए एंड आपस में पॉलिटिशियंस को लड़ना नहीं चाहिए एंड एक डिग्निटी डेकोरम या एक डिग्निटी एक डेकोरम होना चाहिए कंट्री में आपके, बेसिकली जो इन 5 सालों में नहीं हो पाया है अब उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं कोई भी पॉलिटिशियन का हमारे हिसाब से और यूथ के हिसाब से जो आज की डेट में वो है रिजर्वेशन का, कि रिजर्वेशन तो सबसे पहले हटाया जाना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है शायद उन्हें भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और जो शायद डिजर्विंग नहीं है उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मेन मुद्दा हमारे हिसाब से जो है रिजर्वेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो रिजर्वेशन तो ज़रूर हटाया जाना चाहिए, ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जी, अभी ये जो आपका अभियान चल रहा है क्या आपको मतलब इस अभियान के साथ आप क्यों क्या सोचकर जुड़ी थी? कि जिससे हम लोगों को जागरूक कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, तो ये था लोकतंत्र के प्रति जागरूकता अभियान। आपने देखा कि किस तरीके से जो युवा हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खुद भी कितने जागरूक हैं जो उन मुद्दों को लेकर जिनसे वो सरकार से अपनी नई सरकार से अपेक्षाएँ रखते हैं और चाहते हैं कि जो नई सरकार बने वो विकास पर भी ध्यान दे, धर्म और जाति की जो राजनीति होती है उसको बंद होना चाहिए और साथ ही जो मतदान प्रतिशत लखनऊ का कैसे बढ़े इसके लिए ये लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, सुबह सुबह कर रहे हैं।